औरैया 71 ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे और जरूरतमंदों को निःशुल्क दिए जाएंगे। सिलेंडर डीएम सुनील कुमार वर्मा ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है, कोरोना मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हॉस्पिटलों में मरीज के तीमारदारों को भी मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएंगे। वो जल्दी जल्दी नापने एक दो दो होंगे उनके पास, पाँच चार मिल जाएंगे तो नापने में दूसरे उनको आसानी है जेब में डाल के चले उनसे बात कर है ना, वो कर लेंगे वो उतना दे देते हैं उतने से काम चल जाएगा। और 20 स्कैनर थर्मल स्कैनर, इसके अलावा जो ये हैं आपके सैनिटाइजर और वो मास्क, मास्क चाहिए अंदर के लिए बताओ, ये वाले ठीक है, ये वाले जो अंदर वाले ये कर लिया तो मास्क भी वो दे दे रहे हैं और सैनिटाइजर यहीं रखवा देते हैं उनके अंदर के लिए जरूरत है। हम इसलिए रखवा रहे हैं कि यहाँ तीमारदार भी आएंगे तो अपना छोटी छोटी शीशी में अपना भर के चलें, वो है 50 लीटर का वो है ना। ये आप ले जाओ, ये यहाँ रखा जो लोग आते हैं, जो लोग आते हैं उनको उनको बोतले और इसको लेते हैं। ये ले जानो आप ले जाओ, ये 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 वाला चलो अभी अंदर अंदर बटवा देते हैं पेशेंट को, क्या दिक्कत है आज एक गोली उठवाओ अंदर कुछ आज ही शॉप में चला के सबको ठीक करा दो। क्या स्थिति है? मैं लाल पतन प्रताप सिंह, मेरा भाई उदय प्रताप सिंह निवासी याकूबपुर और यहाँ का एडमिट है। आज 3 दिन से जब से ये पर्ची व्यवस्था जिलाधिकारी ने जारी करवाई है
इस व्यवस्था से व्यक्ति को, चाहे वह कार वाला व्यक्ति हो, चाहे वह पीछे वाला व्यक्ति हो, चाहे वह गरीब व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति को समानता के तौर पर ऑक्सीजन मिल रही है पर्याप्त मात्रा में। और भी मिल रही है, प्रत्येक मरीज को बड़े आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। और कोई दिक्कत तो नहीं है खाने पीने के लिए? खाना आज मैंने स्वयं मरीज को अपने खाना में खाना खिलाया, मरीज का खाना मैंने खाया, जिसमें कि आज के मेन्यू में आलू, सोयाबीन, टमाटर, दाल, चावल, रोटी जो मैंने स्वयं खाई वो बहुत गुणवत्तापूर्ण थी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पानी भी मुहैया है और सुबह नाश्ता भी मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज सफाई भी वार्डों में लगभग 3 बार। ऑक्सीजन को लेकर क्या कोई दिक्कत नहीं है। डीएम साहब और एसडीएम साहब और हमारे नायब तहसीलदार साहब के प्रयासों से ऑक्सीजन की उपलब्धता मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अच्छी है। और यहां तक कि डीएम साहब अभी मरीजों और उनके अटेंडेंट्स के लिए भोजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ऐसी व्यवस्था जैसी जनपद औरैया में ऑक्सीजन की उपलब्धता है उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। और ये जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास अभी हमीरपुर से भी 17 सिलेंडर यहाँ पे आ गए हैं और जितने भी पेशेंट हैं उनके तीमारदार हैं सभी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, पहले भी नहीं रही है और भविष्य में भी ऐसी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सितार खान जी, ये बताइए पहले, पिछली बार आपने प्रवासी मजदूरों की भी सेवाएं की थी, आपका संगठन मंच ने भी सेवाएं की थी, आपने बेजुबान पक्षियों की भी सेवाएं की थी, अब की बार आपका संगठन क्या कर रहा है सितार खान जी? अब कहां तक आप लोग जन सेवाएं कर रहे हैं? क्या प्रवासी मजदूरों का जो एक बिल्कुल जो लगातार जा रहे हैं लोग अपने घरों की तरफ, क्या वो ठहरे हुए हैं या फिर किस तरह की चीजें हैं? मैं अनिल खान जी आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, इस कोरोना महामारी में हमारा संगठन गली मोहल्लों में मास्क बांट रहा है, निःशुल्क वितरित कर रहा है और घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो इससे अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दें, अगर आप घर से बाहर जाते हो तो मास्क लगा के जाना चाहिए और नाक तक ढका होना चाहिए। और जब कहीं बाजार में जाते हो, किसी दुकान पर जाते हो, तो 2 गज की दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बचाव के लिए हमने तुलसी के पत्तों को यूज़ करना चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इनको मतलब बिना रस निकाले इनको खाना चाहिए, हल्दी डाल के दूध में यूज़ करना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको कोरोना का जो इस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कोरोना के जो पहिया वो थम जाएगा या फिर लॉकडाउन का, जहाँ तक लॉकडाउन लगा हुआ है हरियाणा में, तो लॉकडाउन को आप ठीक मानते हैं, क्या इससे कोरोना का एक ब्रेक लगेगा? देखो, इससे कुछ फायदा हो सकता है, ज़्यादा वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ नहीं है, बेड नहीं है, ये सिलेंडर नहीं है, ये ज़रूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं के लिए ये सामग्री होना बड़ी बेहतर है, जरूरी है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात कही है। सितार खान जी, एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे, आप एक चीज़ और बता दीजिए, देश के अंदर लॉकडाउन के अंदर एक देश के गरीब लोगों पर तराई तराई मची हुई है, तो क्या लग रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को स्पेशल रूप से कोई पैकेज बनाना चाहिए इस तरह चीज़ों को लेकर? अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आना चाहिए और मतलब देश की सेवा करनी चाहिए, और इस दौरान में लोग भयंकर मौतें हो रही हैं, उनको बचाव के लिए स्पेशल पैकेज मतलब देने चाहिए, हर स्टेट को देने चाहिए। अब जैसे दिल्ली में है महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हर स्टेट में महामारी बहुत फैली हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल, मैं दोबारा कहता हूँ, स्पेशल पैकेज देकर बचाव करना चाहिए इस महामारी के लिए, गैस सिलेंडरों की आबादी, हॉस्पिटल बढ़ाने चाहिए।